नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं पब्लिक सर्वे पे डेरा सीजन सोलर। यहाँ पर आने वाली महिलाओं से जान रहे हैं कि आखिर वो यहाँ पर कितनी सुरक्षित है। गुरु जी के बारे में, सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा के बारे में वो लोग क्या जानते हैं, डेरा सीजन सोलर के बारे में क्या जानते हैं, आखिर क्या सच्चाई है डेरा की, तो डायरेक्ट उन्हीं से पूछते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी के जन्म महीने की सबको लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या नाम है आपका? यशिका, डॉक्टर यशिका। डॉक्टर यशिका, बट मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि मैंने सुना था यहाँ सिर्फ अनपढ़ लोग आते हैं। नहीं जी, बहुत बहुत ऊंची हस्तियाँ भी आती हैं यहाँ पे, अनपढ़ भी आते हैं, बट अनपढ़ को पिताजी खुद पढ़ा लिखा उनको बना देते हैं। पिताजी के काम ऐसे करते हैं, पिताजी ने ऐसे अच्छे काम सिखाए हैं सबको कि सभी यहाँ पे पढ़े लिखे हो जाते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं? हाँ जी, पढ़े लिखे हैं, तो जो सब हुआ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब हुआ है जी, पिताजी की ही ये सब उनकी ही करनी है, उनके ही एक मिशन है ये। वहाँ पे जो दुनिया है उनके लिए, उनके कर्म काटने गए हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी गए हैं वो, अपना सब का वहाँ के लोगों को इंसान बनाने गए हैं। वहाँ पे जो भी उनका एक मिशन है वो सब वो ही जानी जान है, सब उनको पता है। जो लोग डेरा में नहीं आए काफी समय से, सिर्फ मीडिया के थ्रू उन्होंने डेरा को जाना, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी जी कि आप लोग एक बार डेरा में जरूर आए जी। जब वो आएंगे उनको खुद भी महसूस होगा कि हाँ जी हमें जरूर आना चाहिए। कैसे यहाँ पे मानवता भलाई के काम होते हैं, कार्य होते हैं, गरीबों के लिए घर बनाए जाते हैं, गरीब बेटियों की शादी होती है, गरीब बेटियों को पढ़ाया जाता है। जो लोग बेटियों को स्वीकार नहीं करते जन्म के बाद, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे एक अलग से बनाया गया है बसेरा, शाही बेटा बेटियाँ बसेरा, उनको अच्छे से पढ़ाया जाता है। वो सब ऑलमोस्ट सब खेल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। यहाँ पे उनको शिक्षा दी जाती है अच्छे से, सब ऊंचा नाम कमा के जाते हैं जी यहाँ से। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो जी वैसे तो मैं बठिंडा से हूँ, हम लोग विजिट करते हैं यहाँ पे आते हैं। वैसे मेरे को शायद ये 2004 में शायद मैंने नाम शब्द लिया था, काफ़ी मैं छोटे थे। हाँ जी, मैं 16-17 साल। आपको? हाँ जी, हो गए। तो आप एक महिला हैं यहाँ पर आने वाली महिलाएं, हमने सुना था कि सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, और आप खुद एक महिला हैं और आप यहाँ पर आज बैठे हैं, यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है जी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे बेटियों को बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाया जाता है, उनका अच्छे अहदे पे उनके लिए सब कुछ कार्य किए जाते हैं, जैसे कि उनको खेल में आगे बेटों से ज़्यादा उनको बेटियों को बताया जाता है कि आज के समाज में बेटी बेटियाँ इक्वल है, उनको आगे पढ़ाया जाता है, उनको समाज में इक्वल दर्जा दिया जाता है, उनकी शादियाँ अच्छे घर में करवाई जाती हैं। महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित जगह है ये। हाँ जी। क्या आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत होते नहीं देखा? नहीं जी, कभी भी नहीं। आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ तो आप नहीं बता सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, कभी कुछ गलत देखा? यहाँ पे नहीं जी, कभी कुछ गलत देखा, इनका भी कुछ गलत हुआ ही नहीं जहाँ, यहाँ पे सब कुछ सही ही हुआ आज तक। आज तक मैंने कभी, इतने साल हो गए मेरे को, 16-17 साल हो गए हैं डेरे से जुड़े हुए, कभी आज तक मैंने कुछ गलत होता देखा ही नहीं, सब अच्छे ही। इतने सालों से यहाँ आ रही है तो आप जरा यहाँ का इन्वायरमेंट बताइए कि जब आप लोग सब यहाँ आते हैं, क्या भाई बहन एक साथ बैठते हैं या अलग है, क्या सिस्टम होता है सबका? यहाँ पे ऐसे है जी कि थोड़े मतलब क्राउड के कारण बहनों को अलग बिठाया जाता है, भाइयों को अलग बिठाया जाता है, ताकि एक मतलब समानता में सब बैठ पाए। जब पूरा क्राउड हो जाता है तो सबको जुड़ के साथ साथ बैठना पड़ता है, फिर वो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, फिर आगे आगे ऐसे बिठाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग बनाया गया है। यहाँ पर बहन भाइयों का सिस्टम एक जगह है या सबका अलग अलग है? कैंटीन वगैरह बाकी सब रहने का वो सब एक जगह है या? नहीं, सब अलग अलग है। हाँ जी, सब सुविधाएँ उनको अलग अलग प्रोवाइड है। हाँ जी, बट सब एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, सब भाई सब जेंट्स लोग बहनों को बहन मानते हैं जी। तो मीडिया पे बहुत सी बातें हैं गुरु जी के बारे में, मीडिया में वो है जी 16 साल से यहाँ आ रही है, 16-17 सालों से। तो आप बताइए कि जब आप लोग गुरु जी से मिलते थे
तो उनका आप सबके प्रति कैसा व्यवहार होता था, कैसे बातचीत करते थे, कैसे आप सबको वो ट्रीट करते थे, जरा बताइए। गुरुजी हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे जी, उन्होंने हमें इंसानियत के सच्चे रास्ते पे चलना सिखाया, उन्होंने हमें बताया कि सच्चाई ही सब कुछ है, सच्चे मन से सब कुछ करोगे, नाम जपोगे भगवान को, वो ये वो सिर्फ ऐसे नहीं बोलते कि हमारा नाम ही लो, वो बोलते सब धर्म एक जैसे हैं, बस आप भगवान के भगवान का नाम लेते रहो, चाहे आप किसी भी धर्म को मान रहे हो, बस भगवान को मानना है, भगवान में अच्छी श्रद्धा रखनी है, सब काम कोई भी अच्छा बुरा हो रहा है सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान ही कर सब कुछ करेगा आपका, चाहे अच्छा होगा बुरा होगा वो भगवान ने देखना है, जैसे आप काम कर रहे हो कार्य कर रहे हो वैसे ही आपको आपका फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग कभी डेरा में नहीं आए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो डेरा में कभी नहीं आए सिर्फ मीडिया के थ्रू उन्होंने डेरा को गुरुजी को जाना, देखो जी यहाँ, हाँ जी देखो जी यहाँ पे ऐसा है कि किसी के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप नाम शब्द लो और डेरा को ही मानो, बस एक बार आप डेरा में आके देखो आपको यहाँ पे मन की शांति जरूर मिलेगी, एक बार जरूर आओ सत्संग सुनो, जो आप सत्संग में शब्द सुनोगे उनके अपने आप उन पे असर होगा कि हाँ जी हमें डेरा में आना है, हमने पहले कि हमने गलती कर दी हम पहले क्यों नहीं आए, आधे लोग ऐसा जरूर सोचेंगे, जो नए जुड़ते हैं बहुत सोचते हैं हाँ जी हमें पहले क्यों नहीं गए, हमने भी जिनको जोड़ा है डेरा से वो भी पहले बोलते हैं कि आप लोग हमें पहले क्यों नहीं लेके आए, इतनी लेट क्यों हो गए, मतलब लोगों की काफ़ी भलाई हुई है डेरे में आने के बाद। अब जो नहीं आ रहे एक बार मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बार उनको जरूर आना चाहिए डेरा में। क्या आप भी आगे लगातार ऐसे आते रहेंगे डेरा? हाँ जी हाँ जी जरूर, आपका विश्वास ऐसे? हाँ जी पूरा जी पूरा। अगर गुरुजी आ जाते हैं तो किस तरह का समाज पर इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा? पूरा पॉजिटिव बनेगा जी, हमें तो ऐसा लगता है कि डेरा में पाँव रखने की जगह नहीं होगी जब वो आ जाएंगे। तो हमने आपको यहाँ पर आने वाली महिलाएं अनपढ़ नहीं पढ़ी लिखी डॉक्टर महिलाएं जो डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, ऐसे यहाँ पर हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर आते हैं, उन सबसे आपको हम रूबरू करा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए आखिर सच्चाई क्या है, बोले कि यहाँ पर आने वाले लोग क्या क्या जानते हैं गुरु जी के बारे में, हम आपको बताते रहेंगे अपने चैनल के थ्रू, सभी से मिलवाते रहेंगे, देखते रहिए हमारा चैनल, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, धन्यवाद।